हेलो फ्रेंड्स, और जायके की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मैं फिर हाजिर हूँ। और आजकल फिर स्कूल खुल गए हैं, और प्लस ये है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चों का जो दर्द है मुझे देखा नहीं जा रहा है कि उनका इतना ज़्यादा हेडफोन्स लग रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका मोबाइल कंज्यूमिंग हो गया है, और उनका सिर का दर्द, आईसेट बहुत तेज़ी से उनकी गिर रही है। तो ये एक बहुत ही परेशानी का एक विषय बन गया है सबके लिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कुछ ऐसा बनाइए जो इन बच्चों की मुसीबतों से निजात पा चुके हम। तो आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ऐसा वीडियो ये बनाया है मैंने, एक रामबाण चीज़ है जो आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करें तो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप इसको कुछ भी चीज़ इसकी स्किप मत करिएगा, फिर आप कहेंगे कि मेरे को तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, हम लोग को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुछ भी चीज़ जो लेस इन्फॉर्मेशन होती है और कोई भी कम इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी नहीं देखते हैं, तो उससे हमको हानि होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। लेट्स गो टू द किचन, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पर हमारी अवेलेबल रहती हैं, और मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे बनाना है। और कोई खास इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, वो हमारी किचन में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, और इसको झटपट बनाया जाता है, और इजीली आप इंजॉय करके खा सकते हैं आप। तो लेट्स गो टू द किचन देन। हेलो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ, और जायके की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ निधि, आपके साथ फिर से, और एक ऐसा ब्लॉग वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ आपके सब ऐसे लोग जो काफ़ी स्ट्रेस में हैं आजकल कोरोना में, और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसका बहुत ज़्यादा असर उनके दिमाग और आँखों में पड़ रहा है, जिससे उनके अंदर हैवीनेस आ गई है सिर में, और दर्द रहता है, भारीपन रहता है, और थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं और रेस्टलेस फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और जो बहुत ही पहले आपने ज़रूर खाई होगी या सुनी होगी, और ये अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो बड़े और बच्चे दोनों का दिमाग और आंखें दुरुस्त रहेंगी। तो ज़रूर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, और जो भी कुछ इसके बारे में नॉलेज है, और आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं क्वांटिटी और इसके नाम के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताऊँगी कि ये जो मैंने प्लेट में निकाल रखा है, ये मगध के बीज हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं, जो मगध आप समझ सकते हैं, मगध का मतलब ही सिर होता है, सिर के अंदर जो हमारा मगध होता है उसके लिए, ये सिर के लिए और दिमाग को तेज़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और कुछ गुलाब की पत्तियां मैंने ली हैं जो फ्रेशनेस के लिए और दिमाग को ताज़ा रखती हैं एकदम, और इसका गुलकंद भी बनता है जो बहुत ही अच्छा होता है समर के लिए। और ये छोटी इलायची ली है जिसकी तासीर ठंडी होती है, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट, और इसके अंदर बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंट्स है। और जो मेन मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे काफ़ी लोगों ने, फ्रेंड्स ने मुझे बोला है कि भाई ऐसी चीज़ बताओ जो बच्चों के आईसाइट के लिए ठीक हो, उनका आईसाइट का चश्मा ठीक हो जाए, या उनकी जो आईसाइट दिन पे दिन गिर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस से, या जैसे भी पहले से हैं, तो उसके लिए कोई चीज़ बताओ। तो मेरी फ्रेंड है रचना, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले से मुझे बोल रही हैं कि भाई तुम ऐसा वीडियो कब बनाओगी। तो रचना, ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ये है दक्षिणी मिर्च। आपने काली मिर्च तो ज़रूर खाई होगी, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक पेपर, दिस इज़ कॉल्ड वाइट पेपर। तो ये बॉल आप जैसे देख रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी आई को इम्प्रूव करता है, दैट इज़ जस्ट लाइक अवर आई बॉल। तो ये आई बॉल के लिए हमारी, मतलब हमारी आईसाइट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चा खा सकता है थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ी सी मिर्च लगती है, चिरपिरी होती है, तो बच्चे इसके लिए थोड़ा नाक मुंह से कोड़ते हैं और खाना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो मैं कह रही हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी उनके लिए। तो इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर रखी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी एवरेज काइंड ऑफ मिर्ची वाला पेस्ट। तो इसको आप अपने हिसाब से अगर बच्चे खा सकते हैं, किसी भी तरीके से खिला सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड। तो उसके बाद मैंने रात में बादाम सोख करे हैं, कम से कम 10-12 जो बादाम की एलिमेंट्स की गिरी हैं वो मैंने सोख करके रखी हैं। और बादाम जो है सिर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको ओवरनाइट आप सोख करिए, उसके छिलके आप निकाल दीजिएगा। और ये देखिए, मैंने मुनक्का ले रखा है जो किशमिश का बड़ा रूप होता है, मतलब उसका पापा या दादा या भाई बहन होता है। तो उसका बीज निकाल लेंगे आराम से, बीज नहीं पिसना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो इसको आप इस तरह से आप खोल के आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट सोक करके बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर निकाल रखा है, ये मैंने पहले ही कूटने वाला, जो हमारे मेरे पापा या मेरी मम्मी जो बचपन में हमें कूट के खिलाते थे, ये चीज़ मेरे पास है। और इससे पीसने पर वो बहुत ही अच्छा पेस्ट महीन बनता था, जो हमारे ब्लड में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता था और हमको ताकत देता था। तो इससे बहुत अच्छा पीस सकते हैं आप, और इसे बहुत बारीक पिसता है। और आप आजकल तो मिक्सी बड़ी अवेलेबल हैं,
और सब लोग मिक्सी में करते हैं, पर काफ़ी लोग हैं जो अभी भी सिलबट्टे और ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो और देखिए, ये जो चीज़ है मैं आपको बता दूँ, सबसे अच्छी चीज़ जो है पोस्ता, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है दिमाग के लिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको बिल्कुल अब सिंपल सी चीज़ है कि इसको सबको मिला के, इस बादाम के छिलके को हटा के और ये जो मुनक्का है इसका बीज हटा के, पानी हटा के, और हरी इलायची, दक्षिणी मिर्च, ये मगध कद्दू के बीज, गुलाब की पत्तियाँ, एंड दिस पोस्ता पॉपी सीड, एंड दिस एलमंड एंड मुनक्का, इन सबको एक पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ कि ये लगता कैसे है और इसे खाना कैसे है। फ्रेंड्स, ये एक रामबाण, एक संजीवनी बूटी जो आपकी आंखों के लिए और दिमाग को दरोताजा रखेगी, ये तैयार है। देखिए, एक बहुत ही बारीक सा पेस्ट तैयार है और जो आप एक चम्मच दूध में मिला के पी सकते हैं और बच्चों को रेगुलरली इसे पिलाइए। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि हमको बुखार हुआ या इसको डोलो ले लिया, क्रोसिन ले लिया और बुखार खत्म हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड फूड सप्लीमेंट ऑल्सो। तो इसे दूध में पिलाइए बच्चों को, और पिलाना कैसे है ये आप किसी भी तरीके से अपनी ट्रिक अजमाइए उनके साथ, कि उनको चॉकलेट का कुछ ब्लैकमेल करिए कि मैं चॉकलेट तभी दूंगी जब आप ये पियेंगे, है ना, और आपको टीवी देखने तब मिलेगा जब आप इसे पियेंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस है, और इसको अगर आप थोड़ा सा भी और अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि अगर बच्चे दिक्कत कर रहे हैं पीने में, नहीं आ पा रहा है उनके मुँह में, तो आप इसको और महीन पी सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा और टेस्ट इन्हेंस करा, वैसे तो मैं इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डाल चुकी हूँ, तो आप इसको रूअफ़ा डाल सकते हैं। रूअफ़ा डालने से क्या है, इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जा सकता है। पर इसको रेगुलर रखिए, और इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी है, तो इसको अब आप ये सोचेंगे कि ये तो गर्मियों के लिए तो इसका हो गया, सर्दियों में क्या यूज़ करेंगे इसको। तो सर्दियों के लिए मैं इसको दूसरी तरीके से बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे पी सकते हैं। और सबसे मेन जो बात है वो ये है कि इसको आप नॉर्मल दूध में पियेंगे, ना ही गर्म दूध में नहीं पियेंगे। इसको आप ठंडाई का ये एक फॉर्म है, तो इसको ठंडे दूध में, ये नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में इसको डालें एक चम्मच और पिला दीजिए। तो ये थोड़ा मीठा भी है, क्योंकि इसमें मुनक्का है और काफ़ी चीज़ें बादाम है, और आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर है, तो दक्षिणी मिर्च है, जो शायद आपने कुछ लोगों ने देखी भी नहीं होगी, ये वाइट रंग की होती हैं और बिल्कुल काली मिर्च जैसी दिखती हैं। तो इसको आप, इसको रेगुलर यूज़ करिए, आप ज़रूर मुझे याद करेंगे। ठीक है, और इसको खाली पेट सुबह दीजिए दूध में, और नॉर्मल टेम्परेचर में दीजिए दूध, गर्म मत करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। और सर्दियों में इसको कैसे कंज्यूम करना है, कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, मैं सर्दियों में बताऊँगी। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर इसको लाइक करिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा काफ़ी दिन बाद। थैंक यू, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो रेमेडी है कितनी इजीली बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो आप इसको, बस मेरा एक ये कहने का है कि इसको 5-6 दिन आप स्टोर करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। इसको सर्दी में कैसे खाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी सर्दियों में, क्योंकि इसको हम गर्मियों में ही खा सकते हैं, और नॉर्मल दूध पे, ठंडे दूध में आप इसे इन्जॉय करिए जैसे ठंडाई हम पीते हैं। और इसको कांच के कंटेनर में ही आप इसको रखिए फ्रिज में, क्योंकि कोई भी मेटल का जो चीज़ होती है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है, और फिर उसको हम लोग को फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो आप क्ले के किसी भी यूटेंसिल्स में या किसी भी कांच के यूटेंसिल्स में इसको आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। और डिपेंड्स कि ये कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो 2 लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके इसकी सामग्री डाली है, तो वो आप 2 लोगों के हिसाब से डाली है कि आप इसको 5-6 दिन के लिए आराम से डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच 1 टीस्पून आप इसको ठंडे दूध या नॉर्मल दूध पे मिलाइए, गर्म दूध पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ठंडे दूध पे एंजॉय करके खाइए, और आपकी ज़रूर आपका दिमाग और आंखें दुरुस्त रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाती रहूं, और आप भर के मुझे कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और ये कैसा फ़ायदा करा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपना सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।